गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं मोनालिसा उड़ीसा से आई। आप सभी को मेरे गार्डन में स्वागत है। और अभी शाम के टाइम है, मैं आ गई हूँ छत पे। और अभी दोपहर में बहुत अच्छे बारिश हुआ और बहुत तेज़ बारिश हुआ। पूरा जो मिट्टी हम लोग डाले थे वो भी गीला हो गया है काफ़ी, और कुछ मिट्टी बह भी गया है पानी से। ये साइड वाला देखिए, और जो मैं पौधा लगाई थी वो भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ लेके चल रहा है अभी। और मुझे अभी क्या करना है, मैं कुछ पौधों को शिफ्ट करने के लिए आई हूँ। और ये तोरी देखिए, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है। मुझे नहीं पता था कि इस वाले पौधे से मुझे इतना बढ़िया हार्वेस्टिंग भी मिल सकता है। और ये देखिए दोनों तोरी, और भी है, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर नीचे एक बना है, और ये टाइम पर इनको तोड़ लेने से ही अच्छा है। मैं कटिंग करने के लिए कुछ लेके नहीं आई, ना ही कुछ साथ में लाई थी। और ये देखिए कितना बढ़िया ग्रोथ ले लिया है। और यहाँ पर ऊपर पे भी एक है, और इसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया है मार्केट के तोरी से। और ये पूरा ऑर्गेनिक है, उसमें कोई केमिकल वगैरह हम यूज नहीं करते। और साथ ही में इस साइड में भी है, अभी छोटे छोटे ये भी बन रहे हैं, ये एक दो दिन में बन जाएंगे। और तोरी का ग्रोथ, खीरा तोरी, ये सब का ग्रोथ काफ़ी फास्ट होता है, बहुत तेज़ ग्रोथ लेता है। और यहाँ पर देखिए ये एक है जो कि हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है, उनको ले लेती हूँ। और अभी ये छोटे छोटे और भी लगे हुए हैं। मुझे तो लग रहा था इतना तेज़ धूप और गर्मी में ये जल सा गया था, बहुत ही ख़राब कंडीशन हो गया था इनका। तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा बारिश स्टार्ट हो जाएगा, फिर मैंने इनको उखड़ के न्यू वाला कोई पौधा लगा दूँगी। और अभी देखो कितना बढ़िया हार्वेस्टिंग मिला है मुझे इसी से। और यहाँ पर देखिए ये पांच हार्वेस्टिंग के लिए मिल गया। ये दो लॉन्ग बीन्स है, बरबटी बोलते हैं, या लॉन्ग बीन्स भी कोई कोई बोलते हैं। और अभी नेक्स्ट हार्वेस्टिंग कल परसों मुझे मिल जाएगा तोरी का। और अभी सब्जियों का रेट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो चलिए अभी जो पौधा है उनको शिफ्ट करते हैं, क्योंकि एक एक कंटेनर में मैं छः बीज लगाई थी। तो उनमें से कुछ जर्मिनेट होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा करके लगा दी थी। और जब पौध बन जाता है फिर मैं उनको शिफ्ट कर देती हूँ। और ये देखिए मिट्टी काफ़ी गीला है, और काफ़ी बढ़िया से पौध लगा देंगे तो चल जाएगा। और आज मौसम भी काफ़ी ठंडा है, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर एक है, यहाँ पे मैं खीरा लगाई थी, और ये खीरा मैं उठा के लेके जा रही हूँ उस साइड में। और यहाँ पर लगाऊंगी मैं इस कंटेनर में, पहले इसको गड्ढा बना देते हैं इसे। और बारिश का टाइम में कोई भी पौधा ट्रांसप्लांट करो तो इतना पता नहीं चलता पौधा को, और काफ़ी अच्छे से चल जाता है। और इसको ले लेते हैं, और यहाँ पर भी मैं तीन ही खीरा का पौधा लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा लगाने से इतना अच्छा नहीं होता है, और तीन बढ़िया जलेगा थर्माकोल में। और ये लग गया हमारा दो वाला खीरा, और एक तीसरा यहाँ पर लगा देंगे। और ये मैं तीसरा ले रही हूँ इस वाले को, और सॉरी ये तो मिट्टी से ही छूट रहा है। अभी इसको यहाँ पर लगा देते हैं,
और ये थर्माकोल साइड में फट गया था। ये ऐसे ही होता है, काफ़ी ध्यान से काम करना पड़ता है, नहीं तो थोड़ा सा ही प्रेशर पड़ते ही ये फट जाता है। और वैसे भी जैसे पहले लाए थे वो थोड़ा सा टूटा फूटा ही था, अच्छा वाला तो पूरा वो लोग नहीं देते हैं। और वो कोई पूछ रहे थे मुझे कि थर्माकोल कहाँ से लाते हो, तो ये पास वाले जो मच्छी का मार्केट है तो उनसे जो थर्माकोल रिजेक्ट हो जाता है वो उनको बेच देते हैं, तो मैं हम लोग वहाँ से लाए थे। और इस वाले थर्माकोल में भी देखिए ये 6 खीरा का पौधा लग गया है, और यहाँ से भी 3 को हम हटा लेंगे और बाकी 3 को छोड़ देंगे। एक तो थर्माकोल में 2 या 3 पौधे अच्छे से ग्रोथ लेते हैं और फ्रूटिंग भी अच्छा देते हैं, तो इससे ज़्यादा होगा तो ये फ्रूटिंग अच्छा नहीं होगा और पौधों का ग्रोथ भी इतना अच्छा नहीं चलेगा। यहाँ से हम इसको उठा लेते हैं और इस वाले साइड वाले में पहले लगा था टमाटो था और साइड में था वो सिम फली का पौधा जो वो था, और ये काफ़ी छोटा पौधा है, देखिए 2-3 पत्ते ही आए हैं। और ज़्यादा जल्दी ट्रांसप्लांट करने से ये जल्दी यहाँ पे शिफ्ट मतलब सेट हो जाएगा। और दूसरा इसको ले लेते हैं, यहाँ पे 3 छोड़ेंगे, ये 2 ले लेते हैं यहाँ से। सॉरी यहाँ पर 6 नहीं, ये घास का पौधा था, मैं इसको देख के खीरा का सोची, तो यहाँ पे 5 ही पौधा है, तो 3 छोड़ देते हैं और 2 को इधर लगा देते हैं। और यहाँ पर देखिए, और ये 2 लग गया, 2 पौधे हमने यहाँ पे लगा दिए। और यहाँ पर देखिए 2 लग गया अच्छे से, ऐसे ही थर्माकोल में सॉरी 2 पौधा लगाने से अच्छा है, लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं और ज़्यादा भी पौधा हो जाता है तो हम 3 ही लगा देते हैं, लेकिन 2 रहना सबसे अच्छा फ्रूटिंग और पौधे के लिए भी अच्छा है। और यहाँ पर भी 3 रह गया है, और साथ में ये देखिए साइड साइड में कितना सारा साग अपना आप निकल रहा है। और ये बड़ा हो जाता है तो मैं फिर इसको हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ, इसका मैं कोई केयर ऐसे पर्सनली नहीं करती हूँ, ये भी अपना आप उगा था। इसका ग्रोथ देखिए, जैसे ही न्यू मिट्टी मिल जाता है तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ ले लेता है। और यहाँ पर देखिए ये तोरी का पौधा है, और इसका तो काफ़ी बढ़िया से 4-4 पत्ते आ गए हैं, और ये देखिए काफ़ी बढ़िया ग्रोथ चल रहा है तोरी का। तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ 2 यहाँ से निकल लेती हूँ और यहाँ पे लगा दूँगी, अभी वहाँ पे 3 रहने देती हूँ और 2 को इधर लगा देती हूँ। और तोरी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ ले लिया है। और दूसरा मैं इसी को ले लेती हूँ, छोटा वाला पौधा लेने से अच्छा है, ये तो निकल गया जड़ से। और यहाँ पर बारिश भी दोबारा से आएगा लग रहा है, मौसम बादल बादल सा है, तो ये बारिश होगा तो और भी अच्छा तरह से सेट हो जाएगा, इसमें ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये पानी डाल के थोड़ा थोड़ा, वैसे तो मिट्टी गीला है, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के छोड़ देते हैं, फिर ये अपना आप सेट हो जाएगा। और ऐसे ही आप लोग जब भी न्यू पौधा को शिफ्ट करें या दूसरे जगह पर लगाने की सोचें तो बारिश का मौसम का इंतज़ार कीजिए, और जैसे ही मिट्टी गीला रहता है और मौसम भी ठंडा रहता है तो पौधा को कोई पता नहीं चलता और काफ़ी बढ़िया से सर्वाइव कर जाता है। और ये रही फ्रेंड हमारी आज की हार्वेस्टिंग, 5 तोरी है और 2 लॉन्ग बीन्स है, अभी काफ़ी छोटे छोटे लॉन्ग बीन्स और भी है, वो अभी तोड़ने लायक नहीं है इसलिए मैं उनको छोड़ दिया। तो ये रही आज की हार्वेस्टिंग, आप सभी को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और साथ में अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।